जय शंकर जी, और सामने जो विशाल समुद्र है उसके पीछे का दर्शन। पत्रकार लिखता है राज समाज या आइडियल कैसे बने, आदर्श राज समाज के विषय में लिखता है, सोचता है, उसकी कमियां और कमी पेशियां निकालता है। तो एक सेट जो है इस दुनिया, पूरी दुनिया में एक सेट है पत्रकारों का जो जो अपना यूटोपियन मॉडल पेश करता है, जो अपने आदर्श पश्चिम से लेता है, और एक सेट ये हमारा है जिसमें वरुण भाई भी हैं। हम लोग राम राज्य से अपना आदर्श लेते हैं, और राम राज्य का पहला रामचरितमानस में राम राज्य में जो है ना, रामचरितमानस में राम राज्य की तुलसीदास जी ने बहुत छोटी सी व्याख्या की है, और उत्तरकांड में है दो चार चौपाइयां हैं, उससे ज्यादा नहीं है। जैसे उन्होंने कहा कि दैहिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा, लेकिन श्री वाल्मीकि रामायण का जब हम अवगाहन करते हैं तो हम उसमें पाते हैं कि जब श्री भरत जी श्री राम जी से मिलने चित्रकूट जाते हैं, तब राम जी कुशल क्षेम महान पूछने के बहाने, ये अयोध्या कांड का 100वां सर्ग है, कुशल क्षेम पूछने के बहाने पूरा अपना राजनय, पूरी राम राज्य का अपना खाका उसमें पेश करते हैं। ये छोटा मोटा प्रसंग नहीं है, पूरे 75 श्लोक है। और क्या पूछते हैं कि भरत, तुम्हारे राज्य में कृषि केवल वर्षा पर निर्भर तो नहीं है, तुम्हारे राज्य में कोई विद्वान भूखा तो नहीं मरता, तुम्हारे राज्य में कोई व्यक्ति भीख तो नहीं मांगता, तुम्हारे राज्य में किसी पिता को अपने पुत्र का शव अपने कंधे पर तो नहीं उठाना पड़ता है, तुम्हारे राज्य में किसी युवा स्त्री को वैधव्य का श्राप तो नहीं झेलना पड़ता है, तुम्हारे राज्य में किसी स्त्री को असमय सदी तो नहीं होना पड़ता है, तुम्हारे राज्य में वैद्य जो हैं वो रोग के निदान के लिए अनावश्यक पैसा तो लोगों से नहीं वसूलते, तुम्हारे मंत्री और तुम्हारे राज सेवक लोगों से अनावश्यक धन या रिश्वत तो नहीं लेते, क्या तुम्हारे आसपास जो कर्मचारी हैं सेवक हैं वो प्रजा में निंदनीय हैं? आप सोचिए, कल्पना कीजिए। और इसके अलावा क्या तुम्हारे राज्य की सभी नदियां सदा नीरा है? क्या तुम्हारे राज्य में पर्याप्त पोखर सरोवर है? क्या तुम्हारे राज्य में जो पथिक हैं उनको मार्ग में विश्राम करने के लिए सराय बनाए गए हैं? क्या तुम्हारे राज्य में राहगीरों के लिए छाया है? क्या तुम्हारे राज्य में शिक्षा की उचित व्यवस्था है? क्या तुम्हारे राज्य के लोग चोरी तो नहीं करते? ये राम राज्य हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये जो यूटोपियन मॉडल है, यूटोपियन मॉडल में आप ऐसे सैकड़ों मॉडल बना लेंगे तब भी उस हमारे राम राज्य की वो पूर्ति नहीं कर सकता। तो ये वरुण जी का ये जो प्रयास है, ये जो किताब है, ये इस दर्शन से ओतप्रोत है, अभिप्रेरित है। हमारी एक लाइन है, ये पत्रकारों की एक नई लाइन है जो अब इसमें संकोच नहीं करती कि हमको अपने मॉडल हमारी अपनी संस्कृति से, हमारी अपनी धरती से, हमें अपने देश से लेने हैं, क्योंकि राम राज्य में जिस व्यापकता का हमने अनुभव किया है वो कोई यूटोपियन मॉडल, कोई मार्क्सिस्ट मॉडल, कोई माओवादी मॉडल उसकी बराबरी नहीं कर सकता। इसके लिए बधाई देता हूं।